आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत का सामना है। वीवीआईपी ट्रेन मनसूख कर दी गई। लाहौर कराची चलने वाली दो तरफा वीवीआईपी ट्रेन को मनसूख कर दिया गया, जबकि जिना एक्सप्रेस को तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया। रेलवे हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, मुसाफिरों को कराक्रम एक्सप्रेस में एडजस्ट करने की हिदायत की जा रही हैं, जबकि रेलवे हुकाम का कहना है कि सफ़र ना करने वाले को रिफंडिंग की इजाज़त दी जाएगी। रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत की वजह से वीवीआईपी ट्रेन मनसूख कर दी गई है। लाहौर से कराची चलने वाली दो तरफा वीवीआईपी ट्रेन है जिसे मनसूख किया गया, जबकि रेलवे हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि जिना एक्सप्रेस को तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया है जबकि जिना एक्सप्रेस को तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया। रेलवे हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, मुसाफिरों को कराक्रम एक्सप्रेस में एडजस्ट करने की हिदायत की जा रही हैं, जबकि रेलवे हुकाम का कहना है कि सफ़र ना करने वाले को रिफंडिंग की इजाज़त दी जाएगी। रेलवे सिस्टम में बोगियों की शदीद किल्लत की वजह से वीवीआईपी ट्रेन मनसूख कर दी गई है। लाहौर से कराची चलने वाली दो तरफा वीवीआईपी ट्रेन है जिसे मनसूख किया गया, जबकि रेलवे हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि जिना एक्सप्रेस को तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया है।